कि सुबह सुबह ना भागवत गीता आती है टीवी पे, तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ और सुबह सुबह काम भी निपटाती रहती हूँ और भगवत गीता भी सुनती रहती हूँ। लगा योगा में बड़ा मजा आया, अच्छा लग रहा है। तो पैर सूझ पराठे बनना स्टार्ट हो गए हैं। भाभी का प्रसाद बन गया है, थोड़ा थोड़ा है। हाँ हाँ, बहुत है बहुत है। और भाभी हर हर महादेव। भाभी आज भाभी का सोमवार का व्रत है, तो भाभी यहाँ पे क्या कर रहे हो? भाभी मैं प्रसाद बना रही हूँ। भाभी से कुछ सीख सकते हो कि सोमवार का व्रत रखना चाहिए, हर चीज का व्रत रखना चाहिए। और मैं भी भाभी से ना बहुत कुछ सीखती हूँ, है ना पूजा? भाभी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। और ये भाभी की माता रानी, ये देखिए। अब मैं जा रही हूँ भाभी के यहाँ, पूजा तो चली गई है, थोड़ा भाभी से मिलती हूँ, उसके बाद मैं भी चलती हूँ दूध के लिए। छत से इसलिए स्टार्टिंग करती हूँ कि छत में भी अच्छी खिली खिली वाली धूप आती है और मैं धूप सेकने के लिए भी रोजी आती हूँ। बाकी तेरी हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और हम भी सब मस्त है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे। मेरा नाम है सरोज और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सरोज ढोंडिया ब्लॉग में। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 8 बजे से और अपने घर की छत से। अभी आई हुई मैं छत पर वीडियो की स्टार्टिंग करने के लिए, क्योंकि नीचे ना बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है सुबह सुबह के टाइम पर। और अभी नाश्ता पानी कुछ भी नहीं हुआ है और पूजा वगैरह हुई है। बाकी मैंने थोड़ा धूप सेकने के लिए आई हूँ छत पर, जैसे कि रोज ही आती हूँ। और बाकी आप लोग सोचते होंगे कि जब मैं सर एक ही ब्लॉग बनता है छत का, छत से इसलिए स्टार्टिंग करती हूँ कि छत में अभी अच्छी खिली खिली वाली धूप आती है और मैं धूप सेकने के लिए भी रोज ही आती हूँ। बाकी अभी कुछ कोई सोया है नहीं, तो सो रखी है और पूजा चली गई आज सुबह सुबह योगा करने के लिए। उसका टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया है, वो सुबह 7 बजे चली जा रही है योगा करने के लिए और अभी आएगी 8 बजे। मिलाऊंगा मैं आपको पूजा से। और बाकी अभी मैंने चाय बना रखी है अपने लिए, अब मैं चलती हूँ नीचे चाय पीने के लिए, क्योंकि अब मैं ना नीचे ही पीऊंगी चाय, क्योंकि सुबह सुबह ना भागवत गीता आती है टीवी पे, तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ और सुबह सुबह काम भी निपटाती रहती हूँ और भगवत गीता भी सुनती रहती हूँ। मतलब टीवी में जो भागवत कथा आती है, भगवत गीता नहीं भागवत कथा आती है टीवी में, और वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सुनने। फ़ोन में भी सुनती हूँ लेकिन टीवी में आती तो बहुत ही अच्छा रहता है। और उससे पहले ना आपको यहाँ का मौसम दिखा देती हूँ सुबह सुबह का। मौसम मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, अब चलती हूँ मैं नीचे और चाय वगैरह पीती हूँ, नाश्ता बनाने की तैयारी करती हूँ। और जैसे ही मैं नीचे आई ना, नीता यहाँ पे उठ के तो सुबह में लेट रखी है। ये देखिए नीता उठ के तो सुबह में लेट गई। उठ गए आप? राधे राधे, राधे राधे बोलो। और यहाँ पे सुन रही है नीता भी भागवत कथा। ये देखिए मेरे श्याम, मेरे श्याम, देखो कुकी को खिला दी दादी चॉकलेट। मेरे श्याम के आजा, तेरे जिंदगी अधूरी। तो यहाँ पे पूजा भी आ गई है योगा करके और वो भी सुन रही है भागवत कथा। और अभी ना पूरे रेडी हो रहे हैं, मोजे वजे पहन के झाड़ू ले आई है अंदर झाड़ू मारने के लिए। लगा योगा में बड़ा मजा आया, अच्छा लग रहा है। तो पैर सूझ गए? वो तो होता ही है, पहले पहले योगा था। पूजा ना अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखती है, देखिए योगा जा रही है। बोलो अब पूजा झाड़ू, अब पूजा का है झाड़ू लगाना काम और मेरा है नाश्ता बनाने का काम। चलो गाइस जाओ, तो यहाँ पे मैंने रख दी है आलू उबालने के लिए। आज बन रहे हैं आलू के पराठे और बाकी जितने देर में पूजा झाड़ू मारेगी इतनी देर में पराठे बनाऊंगी। सो गाइस हमारा नाश्ता पानी सब हो गया और बाकी घर के काम भी निपट गए हैं। अभी मैं और नित्या बैठे हैं धूप में, पूजा तो छत में सेक रही है धूप और बाकी हम खा रहे हैं यहाँ पर संतरा। आपका है वो? नित्या कह रही मेरा है और नित्या को दिखाती हूँ आपको। अरे तो यहाँ पर नित्या ने नाई नाई कर दी है। नित्या कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है?
क्या खा रहे हो आप? संतरा। संतरा? संतरा है ये? तो बाकी अभी हम खाते हैं संतरा, उसके बाद मैं दिन के खाने की तैयारी करूंगी। और आप लोग सोच रहे होंगे डेली एक ही काम हो जाता है, तो घर के काम तो ऐसे हो जाते हैं, डेली के एक ही काम हो जाता है, तो बनाती फिर उसके बाद खाना, क्योंकि भैया को जाना है ड्यूटी। नीता के पापा तो चले गए थे सुबह सुबह ही ड्यूटी, और अब खाते हैं संतरा। तो आप लोग भी आ जाइए संतरा खाने के लिए, और कमेंट बॉक्स में ना जरूर बताइए कि आजकल कौन कौन संतरे खा रहे हैं ठंडियों के मौसम में धूप में बैठ के, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइस, मैं मिल रही हूँ आपको। सो शाम को दिन में हमने खाना वाना बनाया, उसके बाद खाना खाया, और भैया तो चले गए थे ड्यूटी, उसके बाद वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि आज मैंने सिलाई का काम किया थोड़ा बहुत, और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया। फिर अब मिल रही हूँ मैं आपको, और बाकी अभी नित्या और पूजा है देखिए पीछे से, तो ये जा रहे हैं भाभी के यहाँ थोड़ा सा ऐसे चिल मारने के लिए, भाभी के साथ वाला मस्ती करने के लिए, क्योंकि भाभी भी अकेली रहती है ना पूजा, भाभी टाइम पास करें। और अभी ना शाम का व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ पे सनसेट होने ही वाला है, तो दिखाते हैं आपको शाम का व्यू। तब मैं भी उसके बाद मैं जाऊँगी दूध के लिए, और थोड़ा सा भाभी के भाभी से मिलने के लिए भी जाऊंगी। अरे यहाँ पे नीता भी जाने लगी है ताई के घर। कहाँ जाओगी? और नीता ने यहाँ पे देख लिया है बच्चों को, तो बच्चों के साथ खेलने के लिए जा रही है, पतंग उड़ाऊंगी, ये देखिए। अब मैं जा रही हूँ भाभी के यहाँ, पूजा तो चली गई है, थोड़ा भाभी से मिलती हूँ, उसके बाद मैं भी चलती हूँ दूध के लिए। और बाकी ना अभी का मौसम मैंने आपको दिखा दिया है, इतना अच्छा लग रहा है शाम का व्यू। नित्या हम कहाँ जा रहे हैं? ताई घर जा रहे हैं। चलो भाभी, नित्या आ गई, नित्या आ गई, नित्या नित्या आ गई। और यहाँ पे भाभी का आज व्रत है, तो भाभी हर हर महादेव। भाभी आज भाभी का सोमवार का व्रत है, तो भाभी यहाँ पे क्या कर रहे हो? भाभी मैं प्रसाद बना रही हूँ। भाई प्रसाद बना रही है, ये देखिए चने फ्राई कर रही है, ये मेरा चूरमा है, ये चूरमा बना दिया है भाभी ने। मैं काला नमक डालोगे? काला नमक डालोगे? काला नमक। और वो क्या है, क्या करने लगे भाभी? शैम्पू। और ये देखें दीदी काम उल्टे काम, क्या कर रहे हो? शैम्पू फाड़ना मत है, लाइट खोल। और यहाँ पे पूजा देखिए आते ही वर्क में लग गई। क्या काम कर रहे हो? ना काले काले। तो यहाँ पे पूजा करने लगी है भाभी की हेल्प, और ये प्रसाद बनता है देखिए, खुली बनी रहा है ये तो भाभी हमेशा रखती है सोमवार का व्रत है ना? नहीं यहाँ पे प्रसाद कब से रख, कब डेढ़ साल तो हो गए। अच्छा अच्छा, अच्छा। ना भाभी ना बहुत ज्यादा भोलेनाथ की भक्त है, तो आप लोग भाभी से कुछ सीख सकते हो कि सोमवार का व्रत रखना चाहिए, हर चीज का व्रत रखना चाहिए। और मैं भी भाभी से ना बहुत कुछ सीखती हूँ, है ना पूजा? हाँ। भाभी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें, मुझे कई बार पता चला कि मैं भी थोड़ा कुछ नहीं नहीं ये तो बहुत नहीं नहीं सच में सीखती हूँ दिल, अभी ऐसे नहीं कि ब्लॉग में बोल रहा हूँ, रियल है ये, रियल। और तुम दोनों से मैं सीखती हूँ। ओहो वाह 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 वाह, ये तो अच्छी बात है ना भाभी, और भी अच्छी बात है ये तो। सही बात है, तो यहाँ पे ये दोनों कर रहे हैं अपना काम, और नीता को देखते हो कहाँ गई नित्या? अरे यहाँ पे नीता का खेल चल रहा है, शैम्पू के साथ खेल रही है ना नित्या? आप कहाँ आए हो? ताई के घर। ओहो तो यहाँ पे भाभी का प्रसाद बन गया है, हाँ हाँ बहुत है बहुत है। और भाभी जा रही है मंदिर में भोग लगाने के लिए, और मतलब अभी रख देंगी तो पूजा करेंगी तब लगाएंगी भोग। ये देखिए भाभी का मंदिर, बिल्कुल बिल्कुल ये भाभी का मंदिर है, देखिए हर हर महादेव राधे राधे, ये देखिए ये ब्लॉगर आ रखी है दूसरों के घर में डाका डालने। और ये भाभी की माता रानी है, ये देखिए मेरे भोलेनाथ जी, भोलेनाथ लौटा देंगे, माता रानी जी मेरे माता रानी, हाँ मेरे माता है वो, ये मेरे पिता, ये मेरी माँ। ये देखिए भाभी ने कितना अच्छा सजा रखा है मंदिर, ये देखिए। और इनका स्पेशल कमरा मंदिर का ही है, ये यही बैठ के करती है भाभी पूजा। हाँ, सही बात है।
तो पूजा कह रही है कि मंदिर अकेले में ही अच्छा लगता है, और सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है, सही बात है। अरे बाय बाय, अब मैं अपने काम निपटाती हूँ, तुम यही हो अभी, ठीक है। नित्या भी यही है, पूजा भी यही है, मैं चलती हूँ। सो गाइस, वहां से मैं आ गई हूँ, अब जा रही हूँ दूध के लिए, और बाकी ना नित्या और पूजा तो वही है, और बाकी चलती हूँ दूध के लिए। और बाकी दिन आजकल के मतलब दिनचर्या ना ऐसी हो जाती है, ठंड के मौसम में दिन भी छोटे होते हैं, और कुछ काम मतलब घर के काम भी ऐसे हो जाते, तो समझ ही नहीं आता कि ब्लॉग में हम क्या दिखाएं क्या ना दिखाएं। और मैं भी पहले तो जैसे डेली ब्लॉग नहीं बनाती थी, तो अब बना रही हूँ डेली ब्लॉग, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या दिखाऊं और क्या ना दिखाऊं, थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ मैं। और मैंने ऐसा कभी बनाया भी नहीं डेली ब्लॉग, कभी इधर उधर सफर के लिए चले गए या कहीं चले गए तभी बनाए थे ब्लॉग, तो मैं सोच रही हूँ कि डेली ब्लॉग बनाऊं, लेकिन वो ये भी सोच रही हूँ कि क्या बनाऊं। तो आप लोग ना प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखें, और कमेंट बॉक्स में ना जरूर बताइए कि मुझे डेली ब्लॉग बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए, कमेंट जरूर करिएगा प्लीज। सो गाइस, धूल लेने के बाद हमने पूजा की, मैंने और नित्या ने, और पूजा तो अभी भाभी की यही है, वो वहीं कर रही है पूजा, और बाकी नित्या के पापा और भैया तो ड्यूटी है, वो थोड़ा सा लेट आते हैं, इसलिए उनको ना जब वो ज्यादा वीडियो में नहीं आ पाते हैं। और बाकी अब खाने पीने की तैयारी देखेंगे, और बाकी ठंड भी बहुत ज्यादा हो गई, इसलिए हम मैंने टोपी ओढ़ दी, और इसके सर पर टोपी थी निकाल देते हैं तुरंत, और इसकी ना चुटिया बनाओ, बाल चुटिया भी वो रबड़ निकाल देते चुटिया से, तुझे अच्छा नहीं लगता? नहीं। हाँ देखा, नहीं बोल रही है। तो आज की वीडियो को ना इतने रखते हैं, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं सरोज मिलूंगी आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। बाय बाय, बाय बोल दो, राधे राधे बोल दो, राधे राधे, आप सभी को राधे राधे।